अपने अक्की भाई की कठपुतली मूवी, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक दिल दहला देने वाला सीन, जहां सड़क के किनारे एक मस्त से बेंच पर पन्नी में लिपटी हुई एक लाश मिलती है, जो कि एक लड़की की होती है। हाँ हाँ, एक लड़की की, जिसे बहुत ही बुरी तरह मारा होता है, जिसके चेहरे पर बहुत ही दर्दनाक घाव होते हैं। फिर एंट्री होती है अपने मिस्टर खिलाड़ी, जी हाँ अपने अक्की भाई की, जिनका इस मूवी में नाम अर्जुन सेट्टी, जो कि बीकॉम ग्रेजुएट है और उन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा होता है। ये सब करने के बाद वे अपनी एक मूवी बनाना चाहता है, जो साइकोपैथ किलर के ऊपर बनाना चाहता है। वह इसके ऊपर पिछले 7 साल से काम कर रहा है। अर्जुन सेट्टी अपने पूरे कमरे की दीवार को साइकोपैथ किलर की न्यूज़पेपर्स और मैगजीन की कटिंग से सजाए रखता है। हाँ, अब जरूर कह सकते हैं कि दीवारें बोल उठेंगी। इसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है कि वह बहुत से प्रोड्यूसर के पास अपनी मूवी को बनाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन सभी उसे उसकी मूवी में कुछ ना कुछ कमी बताकर रिजेक्ट कर देते हैं। अर्जुन सेट्टी बहुत ही निराश हो जाता है। अब अर्जुन सेट्टी अपनी बहन के घर जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक शहर कसौली में रहते हैं। वहाँ अर्जुन सेट्टी की बहन रक्षाबंधन पर उसे पुलिस की नौकरी करने के लिए मना लेती है, क्योंकि अर्जुन सेट्टी के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जो ड्यूटी पर शहीद हो गए थे, और अर्जुन सेट्टी के जीजा भी एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, जिस वजह से अर्जुन सेट्टी को पुलिस की नौकरी मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और वह सब इंस्पेक्टर बन जाता है। अब अर्जुन की पोस्टिंग भी वहीं होती है जहां उसके जीजा जी और बहन रहते हैं। अपनी ड्यूटी के पहले दिन ही उसके सीनियर उसे एक किलर को 3rd degree देने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही उसके सीनियर वहां से जाते हैं, अर्जुन उस किलर को अपनी फिल्म की स्टोरी सुनाने लगता है। ये बंदा भी पता नहीं किस किस को अपनी स्टोरी सुनाते रहता है। अर्जुन काम कर रहा होता है, कैबिन में कोई माता पिता अपनी गुम हुई बच्ची की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आते हैं। ये वे बताते हैं कि किडनैप करने की जगह पर एक डरावनी डोल का सिर छोड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन की भांजी अर्जुन को अपना पिता बनाकर अपने स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में ले जाती है, जहाँ उसने अपनी टीचर से बहुत सारे झूठ बोले होते हैं। अब अर्जुन और टीचर की बात हो ही रही होती है और मूवी की हीरोइन यानी टीचर अर्जुन की क्लास लगा रही होती है, तभी वहां पर उसकी बहन और जीजा जी आ जाते हैं, और अब उन दोनों का भांडा फूट जाता है। फिर उसकी बहन और जीजा जी उसकी भांजी को खूब डांट लगाते हैं। फिर अगले दिन क्राइम सीन की जगह जहां से मिली डोल को देखकर एक घटना की याद आती है, जो कि अर्जुन ने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी और उसका कटिंग उसके पास पड़ा था। फिर अर्जुन अपने जीजा से कहकर अपने आप को उस केस में डलवाने के लिए कहता है। थाने की SHO जिसका किरदार सरकुल मेहता ने निभाया है, वह एक इनोसेंट बच्चे की पूछताछ कर रही होती है, जहां अर्जुन आकर SHO को इंटरप्ट कर देता है और अपनी फाइल से पूरी स्टोरी बताने लगता है कि ये काम कोई सीरियल किलर कर रहा है। पर SHO अर्जुन पर गुस्सा हो जाती है और उसको 20 वाली सिगरेट लाने को कहती है। जैसे ही अर्जुन बाहर सिगरेट लेने के लिए दुकान पर जाता है, सारे पुलिस वाले बाहर की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं, वहां उनको रेलवे ट्रैक पर पुल से एक रस्सी से बांध कर लटकी हुई और पन्नी में लिपटी हुई एक लाश दिखती है, जो कि उसी लड़की की होती है जिसके माता पिता पुलिस स्टेशन में अपनी लड़की की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। अब पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। डॉक्टर बताती है कि ये काम किसी सीरियल किलर का है, जो कि बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारता है, उनके दांत तोड़कर एक आंख निकालकर और उनके चेहरे पर चाकू से बहुत सारे घाव कर देता है, सिर के आगे के बाल जड़ से फाड़कर मारता है, और ये सब वह उनके जिंदा रहते करता है। वह सिर्फ स्कूल की लड़कियों को ही मारता है। जब ये सब बातें चल ही रही होती है, तभी वहाँ SHO के हेड भी आ जाते हैं। अर्जुन हेड को अपने केस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर हेड इम्प्रेस हो जाते हैं। अभी तक कातिल 3 लड़कियों को मार चुका होता है। अब मूवी में एंट्री होती है एक स्कूल के मास्टर की, और वो स्कूल की लड़कियों को बहुत ही गंदी तरह से छूता है। अर्जुन के जीजा जी उसकी भांजी को इसी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। फिर अर्जुन और उसके जीजा जी सीरियल किलर की फुल इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। उस स्कूल में जहां अर्जुन की भांजी का एडमिशन होता है, वहां एक मैजिक शो होता है, जहां मास्टर एक लड़की के साथ बहुत ही गंदा काम करता है। फिर थोड़े समय बाद एक लाश और मिलती है, जहां अर्जुन एक ऑटो वाले का पीछा करता है। फिर अर्जुन उस मास्टर के घर की इन्वेस्टिगेशन करता है, जहां उसे उस डरावनी डोल वाला बॉक्स मिलता है, जिससे साबित होता है कि मास्टर ही सीरियल किलर है। अब अर्जुन मास्टर को स्कूल में ढूंढने जाता है, जहां वह हरामी मास्टर अर्जुन की भांजी के साथ गंदा काम करने वाला ही होता है। अर्जुन अपने साथ के 2 कॉन्स्टेबल से उस गांडू के हाथ पैर खोलकर पकड़ने को कहता है और फिर उसके बैंगन का जो भरता बनाता है। अब सबको लगता है कि केस सोल्व हो गया। SHO का हेड और उसकी टीम को बधाई देता है सीरियल किलर को पकड़ने के लिए। उसी दिन अर्जुन की भांजी का बर्थडे भी होता है, सब लोग बर्थडे मनाते हैं। फिर अगले दिन मास्टर भागने के लिए पुलिस की गन से SHO को पकड़ लेता है। वह कहता है कि मैं सीरियल किलर नहीं हूँ, जहाँ अर्जुन बड़ी चालाकी से मास्टर को मार देता है। सब लोग सोचते हैं कि केस खत्म हो गया। फिर अर्जुन के घर से फोन आता है,
उसकी बहन उससे जल्दी से घर आने को कहती है, जहां पहुंचकर अर्जुन को पता चलता है कि उसकी भांजी किडनैप हो गई है और उसके घर पर डरावनी डोल मिलती है, लग गई रे लंका तेरी तो पावा, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर अर्जुन को पता चलता है कि किलर मास्टर नहीं है, कोई और ही है। फिर थोड़े टाइम बाद अर्जुन की भांजी की लाश उसकी गाड़ी में ही मिलती है, वो भी पन्नी में लिपटी हुई। यह इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है, जहां अर्जुन और उसके जीजाजी रो रहे होते हैं। फिर जब अर्जुन की बहन को पता चलता है सच के बारे में, तो अर्जुन की बहन और जीजाजी वहां से जगह छोड़कर चलने लगते हैं। तब अर्जुन की बहन उससे वादा लेती है कि अब किसी और की बेटी नहीं मरनी चाहिए। फिर पुलिस वाले भी अर्जुन को सस्पेंड कर देते हैं। अर्जुन जब रकुल प्रीत से बात कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि ईयरबड में ऑडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी होती है, जो कि उस लड़की के पास भी थी जिसका मर्डर हुआ था। अर्जुन जब उस ईयरबड की तलाशी लेता है, तब उसको उसमें एक ट्यूनिंग मिलती है। उसको पता चलता है कि यह ट्यूनिंग किसी मैजिशियन की है, जो कि स्कूल में जाकर मैजिक दिखाती है। अब अर्जुन को साफ पता चल जाता है कि ये मैजिशियन ही सीरियल किलर है। फिर अर्जुन ये बात SHO को बताता है। SHO भी इस बार अर्जुन का फुल सपोर्ट करती है, क्योंकि वह जान चुकी थी कि इस किलर को अर्जुन ही पकड़ सकता है। अर्जुन को पता होता है कि सीरियल किलर का अगला शिकार कौन होगा, क्योंकि सीरियल किलर उसे ही मारता है जिसे वह अपना मैजिक दिखाने वाले स्टेज पर बुलाता है। अर्जुन और उसकी टीम स्कूल में जाकर बच्चों को सतर्क कर देते हैं और अब उस लड़की का पीछा करते हैं जो मैजिशियन की अगली शिकार होती है। उन्हें बाद में पता चलता है कि ये उस लड़की की जुड़वा बहन होती है जिसका मर्डर होने वाला होता है। वह तो डांस क्लास गई होती है, जहां से उस लड़की को सीरियल किलर किडनैप कर लेती है। लड़की के मोबाइल को ट्रेस करके अर्जुन और उसकी टीम मर्डर करने वाले के खुफिया ठिकाने को ढूंढ लेते हैं, जहां से सीरियल किलर अर्जुन को चकमा देकर भाग जाती है। लेकिन अर्जुन उस लड़की को बचा लेता है। फिर सीरियल किलर रकुल प्रीत के घर पहुंच जाती है। वह रकुल प्रीत को घायल करके उसकी बहन की लड़की को उठाकर भाग जाती है। अर्जुन भी उसका पीछा करता है। अब अर्जुन की सीरियल किलर से भिड़ंत हो जाती है, जहां सीरियल किलर अर्जुन पर धोखे से अटैक करके बुरी तरह घायल कर देता है। अब सीरियल किलर अर्जुन को बताता है कि वह सीरियल किलर कैसे बना। वह बताता है कि बचपन में उसको एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से वह बूढ़ा दिखने लगता है। उसके आसपास के लोग और स्कूल के बच्चे उसे बुल्ली करने लगते हैं, लेकिन स्कूल में एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाती है, जिसे वह प्यार करने लगता है। अब यह बात जब वह उस लड़की से बताता है, तो वह सबके सामने उसे बहुत भला बुरा कहती है, मतलब दिल टूट जाता लौंडे का। अगले दिन लड़की को अपने बिहेवियर पर बहुत पछतावा होता है और वह उससे माफी मांगने उसके घर जाती है, लेकिन वह तो उससे बदला लेने के फुल मूड में था। वह उसे ऐसे ही मारता है जैसे हमें मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की की लाश दिखाई जाती है। नहीं भागी, अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी माँ उसका जुर्म अपने सिर पर ले लेती है और वह बच जाता है। अब अर्जुन को उस सीरियल किलर का नाम पता चल जाता है, उसका नाम होता है क्रिस्टोफर। अब अर्जुन की और उस किलर की खूब लड़ाई होती है, इसमें अर्जुन को बहुत चोट लग जाती है। सीरियल किलर अर्जुन का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है, तभी वह छोटी सी बच्ची अर्जुन को एक चाकू दे देती है और फिर हमारी इस मूवी का यहीं दी एंड हो जाता है।